तो महाराष्ट्र में अभी तक 23 तारीख के नतीजे आना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही दावे प्रतिदावे भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ धड़कने तेज हैं, क्योंकि चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कई सालों में 1985 के 1995 के बाद कि महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत 65% के ऊपर जा सकता है। यह एडिशनल वोट प्रतिशत किसके पास जाएगा, इसको लेकर टेंशन है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर दावे प्रतिदावे, 26 तारीख तक सरकार बनानी होगी वरना राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसके लिए नेताओं की कवायद शुरू हो चुकी है, महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। 23 तारीख के पहले कम से कम आपस में बातचीत करके स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, 23 तारीख को नतीजे किस तरीके के आते हैं उस पर चर्चा होगी। संजय राउत शिवसेना की तरफ से इस बैठक में मौजूद है, जयंत पाटिल राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष वो बैठ रहे हैं, उसके साथ साथ बालासाहेब थोरात कांग्रेस के नेता भी इस बैठक में मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री पद को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी, और जो सबसे क्विकली फास्ट जल्दी इसके बारे में फैसला ले पाएगा वो सरकार की तरफ पहुंच पाएगा, क्योंकि अभी तक ये स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी।